कभी कभी एनिमेज में भी कुछ सीन इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि उन्हें देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। किसी सीन के टॉर्चर इतने ब्रूटल होते हैं कि तुम्हें उस कैरेक्टर के लिए बुरा लगने लगता है। कभी सीन के सिचुएशन ही इतने डार्क चले जाते हैं कि वो तुम्हारी मेंटल कंडीशन तक को अफेक्ट कर जाते हैं। और कभी कुछ सीन्स में खून खराबा इतना भयानक हो जाता है कि उसे देखने के बाद कुछ टाइम तक तुम खाना भी ना खा पाओ। सोते सोते सोते। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप डिस्टर्बिंग सीन्स इन एनिमे। और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि एनिमे बच्चों के लिए है तो ये वीडियो तुम बिल्कुल देखना। और हाँ, अगर तुम बजर देख रहे हो मेरे दूसरे चैनल पर तो ये पहला वाला ये एक्लिप्स वाला सेशन स्किप कर देना, बाकी आगे देख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। मोस्ट डिस्टर्बिंग सीन्स इन एनिमे हिस्ट्री, द एक्लिप्स। तो ये हमारे द ग्रेटेस्ट मंगा ऑफ ऑल टाइम बजर का सबसे खतरनाक मोमेंट माना जाता है, क्योंकि इसी के बाद उसकी पूरी कहानी बदल जाती है। तो जब ग्रिफिथ का भीलित एक्टिवेट होता है तो वो एक नया डायमेंशन खोल देता है जहाँ वो चारों गॉड एंड्स आते हैं और ग्रिफिथ को चॉइस देते हैं कि अगर तुम अपने सपने को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने सारे साथियों को सैक्रिफाइस करना होगा। और वो ऐसा कर देता है। उन सबके ऊपर ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का मार्क लग जाता है और वो सारे मॉन्स्टर्स उन हजारों इंसानों को बुरी तरह काट कर खा जाते हैं। कुछ मॉन्स्टर किसी को लड़की का रूप लेकर फंसाते हैं और कुछ तो उनकी बॉडी के अंदर घुसकर बुरी तरह तड़पा कर मारते हैं। और कुछ ही मिनट्स में वहाँ सिर्फ खून का समुद्र बन जाता है। उसके बाद एक नए गॉड हैंड का जन्म होता है और ग्रिफिथ अब एक डीमन बन चुका था। उसके बाद वो गड्स के सामने कैस्का को मॉन्स्टर से पकड़वा कर उसका रेप करता है और गड्स को ये सब देखने पर मजबूर करता है। The Atomic Bomb। तो 1983 में एक फिल्म आई थी बेयरफुट जेन, जिसकी स्टोरी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब के अटैक के ऊपर है कि बॉम्ब गिरने से पहले वो शहर कैसा था और बॉम्ब गिरने के बाद वहाँ कैसी तबाही मची। और इसका जो सबसे खतरनाक सीन है वो है जब एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप होता है। और इस सीन को काफी अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। पहले हमें दिखाया जाता है शहर की सिचुएशन जहाँ काफी शांति थी, जैसे तबाही से पहले सन्नाटा होता है और फिर ऊपर से बॉम्ब गिराया जाता है और उसके फटने के बाद कई किलोमीटर तक सब कुछ मिट जाता है। लोगों की डेथ भी बहुत ही गंदी तरह से हुई थी। उनका शरीर पूरा मेल्ट हो जाता है, उनकी आंखें निकल कर गिर जाती हैं, उनकी हड्डियां शरीर के बाहर दिख रही थी। और उसमें कुछ लोग जो सरवाइव करते हैं उनकी हालत भी इतनी खराब थी कि उनकी जिंदगी अब एक श्राप से कम नहीं थी। द कैमेरा एक्सपेरिमेंट। द फुल मेटल एल्केमिस्ट का एक कैरेक्टर है शो टकर, जिसका नाम द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर में आता है और ये सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए आया पूरे शो में। सोचो इसने एक एपिसोड में ऐसा क्या करा होगा। तो शो टकर एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था जहां उसे एक कैमरा बनाना था और अब उसकी डेडलाइन भी काफी नजदीक थी। टकर के घर में उसकी एक बेटी थी नीना और उसका एक पालतू कुत्ता। कुछ दिनों बाद जब टकर का एक्सपेरिमेंट पूरा होता है तो उसका एक्सपेरिमेंट देखने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर एदोवादो एलरिक और उसका भाई अल्फोंस आते हैं। और उस बोलते हुए कुत्ते की आवाज सुनकर उन्हें रियलाइज होता है कि टकर ने डेडलाइन के डर से अपनी बेटी और अपने कुत्ते को मिलाकर ये कैमरा बनाया है। और कैमरा बनने के बाद वो लड़की सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी, मौत। द स्पाइडर वूमन। तुम सोचो तुम हो गए हो लकी, तुम्हें लड़की एकदम पटाका मिल चुकी है, तुमने ओयो बुक कर दिया है, तुम राजा बाबू बन के वहां पहुंच गए हो, सब बढ़िया हो जाता है। और तभी वो लड़की एक मॉन्स्टर निकले और बेड पर लेटे लेटे तुम्हें जकड़ ले। ये सिचुएशन तो यार एमएमएस वगैरह से ज्यादा बेकार है। तो ये एनिमे है 1987 का, जिसका नाम है विक्ट सिटी, जिसमें एक स्पाइडर वूमेन है और उसकी बॉडी थोड़ी अजीब है लेकिन पावर सारी स्पाइडरमैन वाली है। लेकिन आप पता है वो अपने जाले कहां से फेंकती है? वहां से। जी हाँ, अब वो पता नहीं वो जाल है कि क्या है लेकिन चिपकता तो है। क्या बोल रहा हूँ। और हाँ, हमारा हीरो तो यार बाल बाल बच गया, वरना तो बेड पर अपना औजार गवा देता। वार्निंग, स्पाइडर वुमेन की गुफा में कांटे भी हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी कर दो यार, मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो ओयो में। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है तो एक बार चेकआउट करने जाना तो बनता है। वैसे वहां मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियोस के ऊपर। कानिकी टॉर्चर।
ये एक ऐसा टॉर्चर था जिसने कानिकी जैसे काइंड बंदे को एक मॉन्स्टर बना दिया। ये टॉर्चर इतना दर्दनाक था, इसकी चीखें सुनकर तुम्हारे रोंटे खड़े हो जाएंगे। तो जेसन कानिकी को लगभग 10 दिन तक टॉर्चर करता है। उसी दौरान वो उसकी उंगलियां, उसके हाथ, उसका हर एक बॉडी पार्ट काटता, कुचलता और फिर उसके कुचले हुए बॉडी पार्ट्स को उसे जबरदस्ती खिलाता और फिर उन्हें ग्रो होने के बाद फिर काटता। और ऐसा वो एक बार नहीं, बार बार करता है। वो उसके सर में एक सेंटीपीड भी डाल देता है जो उसके दिमाग की माँ बहन कर देता है। और जो बंदे उसकी मदद करना चाहते थे वो उन्हें उन्हीं की आंखों के सामने पूरी तरह मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल कंडीशन पर काफी फर्क पड़ता है। इस टॉर्चर से उसके नेल्स में खून जमने की वजह से वो काले पड़ जाते हैं। और इन 10 दिनों में उसे इतना स्ट्रेस मिलता है कि उसके सारे बाल सफेद हो जाते हैं। और जब ये टॉर्चर खत्म होता है तो फिर वो जेसन जैसे मॉन्स्टर को सिर्फ मारता नहीं है बल्कि खा जाता है। स्पाइरल फेस। तो जुंजी इतो कलेक्शन के बारे में तुम्हें पता होगा कि उसकी हर कहानी काफी क्रीपी और डिस्टर्बिंग होती है। उसी कलेक्शन की एक सबसे फेमस मांगा है उजुमा की, जिसमें सभी लोगों को स्पाइरल शेप से ऑब्सेशन हो जाता है, इतना जिसकी कोई हद नहीं होती। और इन्हीं चैप्टर में एक लड़की होती है जिसका ऑब्सेशन इतना बढ़ जाता है कि उसके सर के ऊपर स्पाइरल शेप में गड्ढा होने लगता है। और टाइम बीतते बीतते वो गड्ढा इतना बड़ा हो जाता है कि उसका आधा सर वहां से गायब हो जाता है और उसकी आंख भी उसी गड्ढे में अंदर चली जाती है। लूसीज एस्केप। तो एल्फन लाइट एनिमे में एक कैरेक्टर है लूसी का, जिसपे बचपन से काफी एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं, जिसकी वजह से उसके पास साइकिक पावर्स भी हैं। और बाद में वो पावर्स उन डॉक्टर्स पर ही बैकफायर होती है जब वो वहां से निकलती है। वो बिना हाथ लगाए सारे गार्ड्स, डॉक्टर जो भी उसके रास्ते के बीच आ रहे थे, उन सबको वो बुरी तरह मारते हुए बढ़ रही थी। किसी का हाथ कटना, किसी का पेट फटना और किसी का तो सीधा सर ही उड़ा देना, किसी की बॉडी को अंदर से बुरी तरह से कुचलना और किसी की आंखों को धीमे धीमे कुचल कर तड़पाना। मिकीज डेथ। ये इंसिडेंट है एमॉन द डेविल मैन एनिमे से, जिसमें डेविल के खौफ से लोग इतना डरे हुए थे कि उन्हें इंसानों के अंदर भी डेविल दिख रहा था। और ऐसे इन लोगों का शिकार बनते हैं एक मासूम भाई बहन, जहाँ उनके घर में घुसकर बुरी तरह भाई के सर में तीर को सेड़ कर उसका गला काटते हैं और उस लड़की को घेर कर उसका हर बॉडी पार्ट काट कर उन्हें तलवारों पर लटका कर जश्न मनाते हैं। लेकिन एट द एंड ये सीन दिखाता है कि इन डेविल के खौफ ने इन इंसानों को भी एक डेविल बना दिया। डार्क डेथ्स इन अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन में भी कुछ सीन्स काफी डिस्टर्बिंग है। एक तो है सीजन 2 में, जब एक टाइटन एक पैरालाइज्ड वुमेन को धीमे धीमे खा रहा होता है, जो कि बचने के लिए वहां से भाग भी नहीं सकती थी। और उसकी बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो वहां बस बैठी ये सब देख रही थी। और एक था मीके की डेथ, जब बीच टाइटन की एंट्री होती है तो उसके ऑर्डर पर कई सारे टाइटन्स उसे घेर कर गंदी तरीके से पूरा फाड़ कर खा जाते हैं। ये सीन इतना ज्यादा घिनौना था कि एनिमे में तो उन्होंने इसे सही से दिखाया भी नहीं। पपीज डेथ। तुमने नोटिस करा है किसी भी सीन को डिस्टर्बिंग बनाने के लिए उस चीज को बुरी कंडीशन में दिखाओ, जो भी चीज हमें क्यूट लगती है या फिर अच्छी लगती है, क्योंकि हम उन चीजों के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख पाएंगे। और यही चीज मिदोरी में दिखाई गई है, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग एंड बैड एनिमे, जिसके एक सीन में छोटे क्यूट पपीज को एक कैरेक्टर अपने पैरों से कुचल देती है और इतनी गंदी तरीके से कि उनकी आंखें, नाक और भेजा सब बाहर आ जाता है। और फिर उसके बाद वो उन्हें पका कर खा जाते हैं। एलकादो वर्सेस वैलेंटाइन। हेलसिंग अल्टीमेट इज वन ऑफ द मोस्ट डार्क एनिमेस, और उसकी सबसे बड़ी वजह है इसके डार्क ब्रूटल सीन्स। वैम्पायर्स किलिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस किलिंग वैम्पायर्स और वैम्पायर्स किलिंग वैम्पायर्स, इन सब क्लैश में जो भी खून खराबा है वो काफी ब्रूटली डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन जब ल्यूक वैलेंटाइन वर्सेस एलुकार्डो होता है और जब एलुकार्डो अपनी असल फॉर्म एक्टिवेट करता है तो कसम से रोंटे खड़े हो जाते हैं। और उसका ये रूप इतना खौफनाक होता है कि वैलेंटाइन तो डर के मारे वहां से भाग रहा होता है, लेकिन वो बिना किसी रहम के उसे कच्चा चबा जाता है। कमेंट करना और कौन से डिस्टर्बिंग सीन्स हैं जो मिस हो गए हैं, उन्हें सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।
तुम्हें पता ही एक कर दो, आज के लिए बस करते हैं। अरिगातो।